हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉस्टैल्जिक स्टोरीज। मेरा नाम है सौम्यदीप मंडल और आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ व्यू एपिसोड 2। पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे है तो प्लीज़ जाके एक बार बुक्स का पहला एपिसोड भी ज़रूर देख लेना। साथ ही अनाउंसमेंट ये भी है कि बुक्स का 1.5 एक नया पॉडकास्ट का एक हिस्सा आने वाला है इसी हफ्ते के अंदर, जल्द ही जिसमें मेरे साथ होने वाले हैं आर्ट डायरेक्टरी से प्राजक्ता नायडू और द वीब रेडियो स्टेशन से रौनक सिंह। सो कीप कनेक्टेड एंड शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट वॉर। वॉर, ये शब्द का अर्थ बताने के लिए मेरी ज़रूरत तो थी ही नहीं, लेकिन इस शब्द का मतलब आज के ज़माने में विकिपीडिया के तरफ से ये है। वॉर इज एन इंटेंस आर्म कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, सोसाइटी और पैरामिलिट्री ग्रुप्स सच एज मर्सिनरी, इंसर्जेंट्स एंड मिलिटियर्स। इट इज़ जनरली कैटेगराइज्ड बाई एक्सट्रीम वायलेंस, एग्रेशन, डिस्ट्रक्शन एंड मॉर्टैलिटी यूजिंग रेगुलर और इरेगुलर मिलिट्री फोर्सेस। जंग, ये चीज़ आज से नहीं, करोड़ों सालों से हमारे इस दुनिया में बसते आ रही है। मानव प्रजाति का एक और चेहरा जो काफ़ी दर्दनाक और बहुत ही भयंकर है। महाभारत में पांडव और कौरव के बीच में उनकी किस्मत लिखी गई थी और दूसरी ही तरफ रामायण में सीता को अपहरण करने के लिए रावण और श्री प्रभु राम के बीच में होते हुई ये जंग ने काफी इंसानों की जान ले ली। सिर्फ इंसान नहीं, ऐसे कई प्रजाति है जिनके बीच में आज तक ये जंग चलते आई है, लेकिन इसका अंत किधर है हमें किसी को नहीं मालूम। एटिमोलॉजी, ये जो शब्द है वॉर, ये आई थी 11वीं सदी से ओल्ड फ्रेंच में, जिसका मतलब था वेरे, ऑल्सो वेरे इन मॉडर्न फ्रेंच, जिसमें इसका मतलब था मिक्सचर, कन्फ्यूजन। इस दुनिया को भी ओल्ड हाई जर्मन में वेरान और जर्मन में कन्फ्यूज और टू परप्लेक्स और टू ब्रिंग इन टू कन्फ्यूजन। क्या हम इंसान सच में बुद्धिमान है या सच में ये हमारी कोई एक बेवकूफ़ी की ही शिकार है? जंग काफ़ी हथियारों से लड़ी गई थी, जहाँ पे पहले तो पत्थर और कुलाड़ियों से। अकॉर्डिंग टू कॉनवे डब्ल्यू हेंडरसन, एक सोर्स ये बताती है कि 3500 बीसी से लेके 20वीं सदी तक लगभग 14500 जंग लड़ी गई है। जंग यह अपने अंदर ही एक रिवॉल्यूशन है, एक एवोल्यूशन है, किस तरह ये अपने फ्यूचर में पार्टिसिपेट करेगा। और वॉरफेयर काफ़ी तरीकों के होते हैं, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, कोल्ड वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर जो अभी करंट इंसर्जेंसी में है। वर्ल्ड वॉर 2, हम में से ऐसे बहुत ही कम इंसान रहेगा जिसको इस शब्द और इस ऐतिहासिक जंग को बारे में नहीं मालूम। 1939 से लेकर 1945 तक चलने वाली इस जंग के अंदर लगभग 60-85 मिलियन डेथ्स हुए थे, फॉलोड बाय द मंगोल कॉन्क्वेस्ट एट अप टू 60 मिलियन। और हाँ, मुझे ये करेक्ट कर देना पड़ेगा कि अगर आपको ये लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 ही इस दुनिया में सबसे बड़ा जंग था, तो हाँ, आप गलत हो। द पैराग्वेन वॉर 2013 में इसके रिजल्ट निकाली गई थी, जहाँ पर 31,000 डेथ्स इन अ रो से लेकर 72,000 डेथ्स इन 1990 तक पता चला। 2003 में रिचार्ड स्मॉली ने इस जंग को पहचान लिया था, जो कि मानव प्रजाति के लिए छठवां सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया था अगले 50 सालों के लिए। इसमें ना ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की तफलीकी देखी गई थी, बल्कि इसमें सोशल फ्रेम और बहुत से प्रिजनर ऑफ वॉर को भी नजर आई गई थी। थियोरीज ऑफ मोटिवेशंस,
यहाँ पे बहुत सारे थियोरीज हैं जिसमें हम डटे नहीं रह सकते। कुछ थियोरीज ऐसे हैं जहाँ पे बताया जाता है कि हमारे पूर्वजों के गलतियों की वजह से ही हम आज तक लड़ते आ रहे हैं। आपको इस बात का क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया टेररिज्म से गुजर रही है। आखिर ये टेररिज्म किसी एक नेशन के हाथ या फिर बढ़ावे के वजह से ही हो रहा है या फिर ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्रोवर्शियल चीज़ है जिससे हमें दूर ही रहना चाहिए। लेकिन ये छोटी सी चिंगारी ही आज दो देशों के बीच में आग लगा सकती है। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू को देखने के बाद पूरी दुनिया ही घबरा चुकी थी। सबको पता चल चुका था कि जंग क्या चीज है और इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है इंसान को। जंग के मैदानों के बारे में हमारा अनुभव बहुत ही कम है, तो इस स्थिति को हम सही तरीके से परख नहीं सकते या फिर हम उसको जज नहीं कर सकते। टेररिज्म एक ऐसी चीज है जिससे ना ही सिर्फ हम आखिर में पूरी दुनिया भुगत रही है। टेररिज्म और टेररिस्ट ये शब्द फ्रेंच से आए थे लेट 18th सेंचुरी में, लेकिन ये इंटरनेशनली तभी अटेंशन मिला जब 1970 में नॉर्थर्न आयरलैंड में द बेसिक कंट्री एंड द इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में इस चीज़ का यूज़ किया गया था। सबसे ज़्यादा सुइसाइड अटैक्स 1980 से लेकर सितंबर 11 के अटैक्स न्यूयॉर्क सिटी में जो पेंसिल्वेनिया में हुआ था 2001 को आज तक सबको याद है। द ग्लोबल टेररिस्ट डेटाबेस जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क ने रिकॉर्ड किया है, इससे ये पता चलता है कि 61,000 इंसिडेंट हुए हैं नॉन स्टेट टेररिज्म के सिर्फ, रिजल्टिंग जिसमें 1,40,000 डेथ्स हुए हैं सिर्फ 2000 से लेकर 2014 के बीच में। आकर मानव जाति करना क्या चाहती है, इसे क्या चाहिए? क्या इसका जवाब हमें कभी मिलने वाला है? क्या इस पागलपंती का कोई अंत है? क्या हम इंसान सही है या बुरे? इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ वक्त जरूर बताएगा। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। आप सुन रहे थे नॉस्टैल्जिक स्टोरीज पॉडकास्ट पॉइंट ऑफ व्यू में एपिसोड 2 वो। मेरा नाम है सौम्यदीप मंडल और लौट आने वाला हूँ मैं अगले टॉपिक में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड।